कांग्रेस पार्टी का हम लोग देख रहे हैं जनाधार वहां पे काफी तेजी से बढ़ रहा है, लोग कांग्रेस की वहां चर्चा भी कर रहे हैं और समर्थन भी मिल रहा है, कैसे कंपेनिंग कर रही है कि ये बदलाव देखने को मिल रहा है? नमस्कार, मैं चंदन कुमार पांडे उत्तम सवेरा से एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। कल यानी 23 फरवरी को लखनऊ सहित कुल 59 विधानसभा सीटों पर मतदान प्रक्रिया होनी है। सारी पार्टियां जो राजमाइश लगी हुई हैं, प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं। इसी क्रम में हम आज वाराणसी में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं शहर दक्षिणी की कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार मुदिता कपूर जी। शहर दक्षिणी विधानसभा सीट के बारे में हम बताना चाहेंगे कि शहर दक्षिणी विधानसभा सीट पर आज़ादी के बाद जहाँ करीब 3 दशक तक कांग्रेस पार्टी का दबदबा रहा, कई बड़े कद्दावर कांग्रेसी नेता वहाँ से विधानसभा उत्तर प्रदेश पहुँचे, उसके बाद बीजेपी लगातार वहाँ से चुनाव जीतती आ रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस बार एक महिला प्रत्याशी को, पहली बार शहर दक्षिणी से कांग्रेस पार्टी ने महिला प्रत्याशी को उम्मीदवार बनाया, जिससे उस सीट पर कांग्रेस का जनाधार बढ़ता जा रहा है। हम सीधे मुदिता कपूर से जानेंगे कि उनकी कैंपेनिंग किस तरह से चल रही है मौजूदा समय में, वो कैसे लोगों को जोड़ रही हैं। मैम, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। शहर दक्षिणी पे पिछले जब से आप कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी ने आपको डिक्लेयर किया है, कांग्रेस पार्टी का हम लोग देख रहे हैं जनाधार वहाँ पे काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है, लोग कांग्रेस की वहाँ चर्चा भी कर रहे हैं और समर्थन भी मिल रहा है, कैसे कंपेनिंग कर रही हैं कि ये बदलाव देखने को मिल रहे हैं? पहली बात तो ये है कि मैं एक राजनीतिक बैकग्राउंड से नहीं हूँ। हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने इस बार उत्तर प्रदेश में जो महिलाओं की राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित की है, उन्होंने ये भी इसमें सुनिश्चित किया है कि नए चेहरे राजनीति में उतरें। और अगर हमें समाज को बदलना है, देश को बदलना है, तो कुछ नया करना पड़ेगा। तो नए लोगों से और महिलाओं को राजनीति के मेनस्ट्रीम में जोड़ने से इसका बहुत अच्छा असर पड़ रहा है। मैं जो बातें कर रही हूँ वो एक मैं राजनीतिक पहलू से नहीं कह रही हूँ, वो मैं एक जनसाधारण के पहलू से कह रही हूँ, वो मैं एक आर्किटेक्ट के पहलू से कह रही हूँ, जो मुझे दिख रहा है शहर में क्या हो रहा है, जो मेरे भाइयों और बहनों की जो दुख दर्द हैं वो मैं एक जनसाधारण की हैसियत से उनसे पूछ रही हूँ, समझ रही हूँ और वही मैसेज मैं आगे दे रही हूँ। मुझे लगता है कि इस बात का कुछ असर लोगों में हो रहा है, क्योंकि लोग मुझसे रिलेट कर पा रहे हैं, खासकर महिलाएं, उनको ये लग रहा है कि उनके ही जैसी एक और साधारण सी महिला जिसका कुछ भी राजनीति में पहले नहीं था एक चेहरा, वो भी आके अगर आगे कुछ कर सकती है तो उन सब की भागीदारी इसमें बढ़ सकती है। डोर टू डोर कैंपेन हो या सोशल मीडिया के माध्यम से जो प्रसार हो रहा है, प्रचार प्रसार, उसका मुझे बेनिफिट मिल रहा है। अच्छा मुदिता जी, आप शहर दक्षिणी से चुनाव लड़ रही हैं, 7 बार वहां से बीजेपी के विधायक रहे श्यामदोरा चौधरी और पिछले 5 बरस से विधायक हैं नीलकंठ तिवारी। बीजेपी का वो एक तरह से दुर्ग बन चुका है जो पहले कांग्रेस का कभी हुआ करता था गढ़, कैसे उसमें चुनौतियां आपके सामने आ रही हैं? आपके साथ लोग जुड़ रहे हैं लेकिन अभी भी वहां पे काफी ज्यादा वर्चस्व है, तो कैसे उसको आप फेस कर रही हैं? आपकी रणनीति क्या है? लोगों की तरफ से क्या आपको मुद्दे आ रहे हैं कि ये हमारी समस्या है, ये तकलीफें, कैसी कैसी समस्याएं आ रही हैं? देखिए, मेन समस्या वहाँ पर एक जो बड़ी समस्या, दो बड़ी समस्याएं सामने आ रही हैं। पहली है जो व्यापार का ठप हो जाना और लोगों का उस क्षेत्र से पलायन, क्योंकि जो दैनिक उनके जीवन में जो दिक्कतें आ रही हैं, कोरोना काल में आपने देखा कि चिकित्सा सुविधाओं की कितनी बड़ी वहाँ प्रॉब्लम्स आई सकरी गलियों के वजह से, और जो भी कार्य, विकास के कार्य हो रहे थे उसमें यातायात प्रतिबंध हुए या जो भी वजह थी, उसकी वजह से वहाँ के रोज़गार में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई। तो उसकी वजह से न सिर्फ क्षेत्रीय नागरिक बल्कि वहाँ के व्यापारी और व्यवसायी भी अपने पुश्तैनी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी से जो वहाँ रह रहे थे, जो वहाँ कारोबार कर रहे थे, वो वहाँ से भाग के बाहरी क्षेत्रों में जा रहे हैं। तो एक तो ये बहुत बड़ी परेशानी है, और दूसरा, आप जिससे भी बात करिए उसका ये कहना है कि हमारी तो कोई आवाज़ ही नहीं है, हमारी कोई भी भागीदारी किसी भी कार्य में हमारी कोई भागीदारी ही नहीं है। तो जब जनता अपने आप को इतना असहाय महसूस करती है तो उसको विकल्प दूसरे ढूंढने पड़ते हैं, और अगर उनको विकल्प के रूप में
दिखता है कि कोई ऐसा उनके सामने है जो उनके जैसा है और जो उनकी समस्याओं से, मैं भी एक व्यापारी वर्ग से हूँ तो हम लोग भी इन समस्याओं का को फेस करते हैं, तो ये जुड़ाव जब होता जाता है और खासकर महिलाओं का जब जुड़ाव होता जाता है तो रणनीति आसान हो जाती है। प्रियंका गांधी ने हाल ही में बयान दिया कि बीजेपी जो है आतंकवाद और हिंदू मुस्लिम करती है तुष्टिकरण की राजनीति, इससे गरीब आदमी का पेट नहीं भरता है, और वो ये भी कह रही हैं कि राशन जो बांट रहे हैं इससे विकास नहीं होने वाला है, 5 किलो राशन, कितना इत्तेफाक रखती हैं प्रियंका गांधी के विचारों से अब? जी ये बात तो सिर्फ प्रियंका गांधी जी की नहीं है, ये बात तो जो महिलाएं जो मुझे डोर टू डोर में मिल रही हैं ये महिलाएं खुद ये बात कह रही हैं। एक महिला ने कहा कि बेटा पूड़ी कैसे छनबे, जब 200 रुपया लीटर तेल हो जाएगा तो हम पूड़ी कैसे छानेंगे। दूसरी महिला कह रही है कि एक दफ़े क्या राशन देने से हो गया हमारा काम, फिर अगली बार क्या होगा, एक बार सिलेंडर देने से हम भराएंगे कैसे, 450 रुपये का सिलेंडर जब 1000 रुपये का हो गया तो अब हम भराएंगे कैसे। तो ये तो जन जन ये बात कह रहा है, तो उसमें हमारी नेता तो सिर्फ जनता की ही आवाज़ को मीडिया के सामने ला रही हैं। अच्छा मुद्दा जी, आप चुनाव लड़ रही हैं, घूम रही हैं, विपक्ष ये लगातार कह रहा है कि जो बीजेपी जो मुद्दों की बात नहीं कर रही है, मसलन महंगाई की बात, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, इलाज की बात, चिकित्सा की बात, वो केवल कैराना से शुरू करती है हिंदू मुस्लिम और आतंकवाद और तमाम तरह की, उसी में उलझाए रखती है, तो क्या मानती है मुद्दों की बात इस बार चुनाव में मौजूदा सरकार नहीं कर रही है? हम लोग कर रहे हैं मुद्दों की बात, बाकी लोग क्या कर रहे हैं इससे हमें सरोकार नहीं है। हम लोग कर्म की बात कर रहे हैं, हम लोग जनता की भागीदारी की बात कर रहे हैं और हम लोग सकारात्मक बातें कर रहे हैं और हम लोग उसी पथ पर चलेंगे। अच्छा बीजेपी कह रही है कि हमने कोरोना काल में हमने राशन बांटे मुफ्त में, हमने वैक्सीनेशन कराया, हमने बेहतर इलाज दिया, और आप लोग कह रहे हैं कि गंगा में बहती लाशों को हमने देखा, क्या थी उस समय की दिक्कतें, कैसे मैनेजमेंट होना चाहिए था? वो तो कह रहे हैं कुछ दिक्कत नहीं, हमने सब कुछ मैनेज कर लिया। ये तो आप जाके पूछिए जिन लोगों ने सफ़र किया है उस समय। वैक्सीनेशन कराना तो सरकार का कर्तव्य है, तो वो तो जो भी सरकार होगी वो कराएगी ही, पर जब गलियों में और नागरिकों के पास, जब कोरोना के वक्त में अस्पताल में बेड नहीं थे, जब ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे, जब दवाइयां नहीं मिल रही थी, तब जो सहयोग एक हमारे जैसे लोकतंत्र में होना चाहिए वो सुविधाएँ तो जनता तक नहीं पहुँची। आप जिस विधानसभा से उम्मीदवार हैं उसी विधानसभा को बीजेपी पूरे प्रदेश में प्रोजेक्ट कर रही है कि हमने विश्नौत कॉरिडोर बनाया, हमने गलियों पे कढ़ाई कराई, रंग रोगन कराया, अंडरग्राउंड सीवर सही कराया, दक्षिणी विधानसभा को ज़्यादा दिखा रहे हैं, क्या आप घूम रहे हैं वहाँ पे आपको विकास दिख रहा है, क्या मानना है आपका विकास हुआ है वहाँ पे? देखिए हम ये मानते हैं कि विकास वो होता है जिससे जनता खुश हो। विकास किसके लिए है? विकास तो वहाँ के रहने वालों रिहायशी लोगों के लिए हैं जो वहाँ रह रहे हैं, विकास बाहरी लोगों के लिए नहीं है। तो जब जनता नहीं खुश है तो वो विकास किसके काम का है? अंत में हमारा सवाल है, दक्षिणी विधानसभा में यदि आप जीतकर विधानसभा पहुंचती हैं तो कौन कौन से ऐसे कार्य हैं कुछ जो आप करना चाहती हैं वहाँ पे आम जनता के लिए, उस विधानसभा के लिए? देखिए शहर दक्षिणी में काशी की आत्मा बसती है, काशी के प्राण बसते हैं, बाबा विश्वनाथ का दरबार है, गंगा माँ का तट है वहाँ पर, तो जो हमारी सरोहर है वाराणसी, काशी हमारी आध्यात्मिक राजधानी है, हमारी सांस्कृतिक राजधानी है, और धरोहर संरक्षित करते हुए जब हम क्षेत्र का विकास करेंगे, लोगों को उससे जोड़ेंगे, जुड़ा हुआ रखेंगे और उनकी आवाज़ को सम्मिलित करेंगे किसी भी डिसीजन मेकिंग में, तब हमारा विकास एक समुचित और एक इफ़ेक्टिव विकास होगा, और मेरी सबसे पहली प्राथमिकता यही होगी। चलिए मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने प्रचार के दौरान हमें समय निकालकर हमसे बातचीत की। ये थी हमारे साथ शहर दक्षिणी विधानसभा की कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी मुदिता कपूर, जिन्होंने बताया कि अपने मुद्दों के बारे में बताया कि अगर वो विधानसभा में पहुंचती हैं चुनाव जीतकर तो क्या क्या मुद्दे करेंगी, मौजूदा समय की समस्याओं को भी उन्होंने बताया कि मौजूदा सरकार इन समस्याओं को दूर करने में विफल रही, तमाम तरह की उन्होंने बातें कही। मैं चंदन कुमार पांडे उत्तम सवेरा के लिए अशोक पांडे के साथ, धन्यवाद।